अर्ज किया है कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अरे भैया कल बहुत ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ी वाली मिस्टेक हो गई भाई साहब। मतलब आईपीएल की स्क्रिप्ट जिसको हमने घोट के पी रखा है, इसके बावजूद इतना बड़ा ब्लंडर हम कैसे कर सकते हैं भाई साहब। जैसे बिग बॉस के अंदर या खतरों के खिलाड़ी के अंदर वो कंटेस्टेंट जिनके बहुत सारे फैंस हैं, या फिर वो कंटेस्टेंट जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं उन्हें मेकर्स आखिरी तक रखते हैं, वही फिलॉसफी या वही मेंटेलिटी आईपीएल में भी चल रही है। क्योंकि धोनी के बाद विराट कोहली है जो कि आईपीएल का सबसे बड़ा फेस है, तो विराट कोहली की टीम को एंड तक तो रखना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बू आजमी है। कल हमने अपने वीडियो में प्रेडिक्शन दिया था जहां हमने कहा था कि एसआरएच जो है ना वो आरसीबी को हरा कर आरसीबी की पार्टी स्पॉइल कर देंगे, लेकिन नहीं, आरसीबी ने हमारी पार्टी स्पॉइल करके रख दी है। जिस तरह से विराट कोहली ने कल सेंचुरी मारी है, वैसे सेंचुरी ना कलासन ने भी मारी है, और कलासन ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी मारी है। कलासन ने जो इनिंग खेली वो सिराज के अगेंस्ट, हर्षल पटेल के अगेंस्ट, वायन पार्नेल के अगेंस्ट खेली है, और विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है, जो सेंचुरी मारी है, वो कैसे बॉलर्स के सामने मारी है आपने सबने देखा। कोई नीतीश रेड्डी करके, कोई डागर करके, कोई त्यागी, कोई अभिषेक शर्मा, और टीम इंडिया में खेल चुके या फिर खेलने वाले भुवनेश्वर या फिर नटराजन इस आईपीएल सीजन में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो तो आप इजीली समझ सकते हैं, ये देखकर कि उनकी टीम सबसे नीचे बैठी हुई है। तो जहां कलासन ने 200 के स्ट्राइक रेट और सिराज और हर्षल पटेल के अगेंस्ट रन मारे, वहीं विराट कोहली ने नूबड़े बॉलर्स को पेल करके रख दिया। इसके बावजूद कलासन की इनिंग को सबने कर दिया इग्नोर, और विराट कोहली किंग कोहली किंग कोहली किंग कोहली की पीपड़ी कल से बजने लग गई। और ये जो किंग कोहली ने सेंचुरी मारी, किंग कोहली सेंचुरी, किंग इज़ बैक, ये पीपड़ी जो है ना पिछले साल भी बजी थी, अगर आपको याद हो तो दुबई में एशिया कप हुआ था, वही एशिया कप जिसमें हमारी टीम इंडिया फाइनल में भी नहीं आ पाई थी, लेकिन किंग कोहली ने 71st सेंचुरी मारी थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अफगानिस्तान के वो बॉलर जो एक दिन पहले पाकिस्तान से मैच खेले थे और 24 घंटे के अंदर उन्हें दोबारा से मैच खेलना पड़ा टीम इंडिया के अगेंस्ट, और बुरी तरह से वो सारे बॉलर्स पिटे थे, और अफगानिस्तान की टीम इतनी लुल्ल पुल्ल खेली थी कि उस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने भी 4-5 विकेट लिए थे, और सारे लोग लग गए अरे किंग इज बैक 71st सेंचुरी। लेकिन लोगों ने बड़े ही सफाई से एक चीज इग्नोर कर दी कि हमारी टीम इंडिया एशिया कप से बाहर हो गई थी, हम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन किंग कोहली की सेंचुरी उसी तरह से सारे आरसीबी फैंस और सारे एक्स क्रिकेटर, सारे मीडिया वाले किंग कोहली किंग कोहली किंग कोहली। किंग कोहली ने आईपीएल में कोई पहली सेंचुरी नहीं मारी, अगर आप याद करें ना तो विराट कोहली का सबसे बढ़िया सीजन गया था 2016, उसमें उसने कई सारी सेंचुरीज मारी थी, लेकिन ट्रॉफी फिर भी नहीं मिल पाई थी। कहने का मतलब है कि जिस तरह से फैंस और जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली ने अपने करियर की सबसे पहली सेंचुरी मारी हो। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि विराट कोहली ने कल ताबड़तोड़ इनिंग खेली है, दिल जीतने वाली इनिंग खेली है, लेकिन क्या इस इनिंग से ये टीम ट्रॉफी जीत पाएगी? क्योंकि हमने पहले भी देखा है विराट कोहली ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन आरसीबी 16 सालों से ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। तो वो तमाम आरसीबी के फैंस जो मेरे से कह रहे हैं कि भाई आ गया स्वाद, आरसीबी जीत गई, तो भाई जब ट्रॉफी जीत जाओ ना तब ये डायलॉग बोलना तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आरसीबी फैंस की आदत है प्री मैच्योर सेलिब्रेशन करने की। तो माय डियर आरसीबी फैंस, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, ट्रॉफी जीत जाओ ना, उसके बाद लोगों को बोलना और भाई आ गया स्वाद, आ गया स्वाद, जब ट्रॉफी जीतो ना तब बोलना ज़्यादा सटीक रहेगा। अच्छा सटीक से ना मुझे एक बात याद आई, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आईपीएल की स्क्रिप्ट का एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने वो देख लिया है कम्युनिटी पोस्ट तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में जो जो रिजल्ट्स हैं सब कुछ वैसा ही गया है पीछे के दिनों में, और इसी के आधार पर आज रात का जो मुकाबला है वो आरआर जीतने वाली है। और अगर आपको याद होना तो 18 मार्च को मैंने एक प्रिडिक्शन किया था कि सीएसके इस बार आईपीएल जीत जाएगी, और ये जो स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट है यहाँ पर भी आप वही चीज़ देख रहे हैं। हालांकि इसमें से कितनी चीज़ें सही होंगी कितनी गलत ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन पिछले 2-4 मैचेस के जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल वैसे ही गए हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस पैटर्न या फिर इस स्क्रिप्ट को पकड़ करके चले तो आज आरआर जीत जाएगी, और आरआर को ये जो जीत हासिल करनी पड़ेगी शायद 18 ओवर 17 ओवर में टारगेट अचीव करना पड़े, और अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो शायद अच्छे खासे मार्जिन से जीतना पड़ेगा रन रेट को अप करने के लिए। तो आईपीएल की जो स्क्रिप्ट है ना वो बढ़िया तरीके से अंजाम दी जा रही है जय शाह के द्वारा और आईपीएल की पूरी टीम के द्वारा, और जिस तरह से कल इसके हैदराबाद के प्लेयर खेले हैं मुझे लग रहा है कि वो भी स्क्रिप्ट का पार्ट थे। अदरवाइज आप खुद सोचें
कि वो ऐसा रहे जिसमें मार्को येंसन है, उसे आपने बिठा दिया, आप डागर को खिला रहे हो, आप किसी नीतीश रेड्डी को खिला रहे हो, एक ऐसा मुकाबला जहां पर आपको ऑल गन्स ब्लेजिंग मोड में जाना था, आप बहुत ही डिफेंसिव मोड में चले गए। इकलौते कलासन को अगर हम छोड़ देना तो सारे के सारे SRS के खिलाड़ी सब रहे हगोड़े, इस टैग को जस्टिफाई करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। क्या भुवी, क्या नटराजन, क्या वो हैरी ब्रुक जिससे तुक्के से एक सेंचुरी लग गई थी, उसके बाद उसने बोल दिया कि इंडिया के फैंस को मैंने करारा जवाब दे दिया है, लेकिन वो हवा में उड़ा और ऑन द मूव गिर गया। अच्छा, हवा में उड़ना और फिर धड़ाम से नीचे गिरना से मुझे याद है RCB के फैंस, एक जीत से ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं और अगली हार से धड़ाम से नीचे भी गिर पड़ते हैं। वो दौर आने वाला है मित्रों, क्योंकि भाई साहब ये हर साल का पैटर्न है। विराट कोहली रन बनाता है, मैक्सी रन बनाता है, फैंस की उम्मीद बढ़ जाती है, फिर एंड में RCB के प्लेयर्स उम्मीद तोड़ करके चले जाते हैं अगले सीजन कमबैक करने का वादा करके, और वही कहानी इस साल फिर से रिपीट होने वाली है। आने वाले एक वीक में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्या हैं आपके रिएक्शंस, कमेंट अवश्य करें इन सारी बातों के बारे में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।